वेलकम फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो जावा में जो कलेक्शन होता है वो इंटरफेस होता है और कलेक्शंस जो होता है वो क्लास होता है, और क्लास भी यूटिलिटी क्लास इसको बोलते हैं। यूटिलिटी क्लास का मतलब है, यूटिलिटी मतलब कोई ऐसे जनरल फंक्शंस जो हमारे कलेक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब कॉमन फंक्शंस जो यूटिलिटी पर्पस के लिए हमारे यूज़ किए जा सकें। तो जो कलेक्शन है, कलेक्शन इज ए रूट इंटरफेस इन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। रूट इंटरफेस है जो कलेक्शन की हायरार्की होती है, और कलेक्शंस जो है वो यूटिलिटी क्लास इन जावा विच कंटेन स्टेटिक मेथड्स, मतलब स्टेटिक मेथड्स ही इसके अंदर होते हैं, ओनली स्टेटिक मेथड्स कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास में। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस है स्टैटिक मेथड। जो हमारा कलेक्शन इंटरफेस है, इसमें जावा 8 आया तो इसमें स्टैटिक मेथड भी इसमें रखने लग गए। उससे पहले स्टैटिक मेथड इसमें नहीं होते थे, और स्टैटिक मेथड के अलावा इसके कलेक्शन इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं, जबकि कलेक्शंस क्लास में ओनली स्टैटिक मेथड्स होते हैं। ओनली स्टैटिक मेथड, और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड वो होते हैं कि जो किसी क्लास के रेफरेंस के बिना कॉल हो सकते हैं, उन्हें कॉल करने के लिए रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्लास नेम से ही कॉल हो जाते हैं, यानी कि वो क्लास के साथ ही बाइंड होते हैं। ये हायरार्की है यहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस की। तो कलेक्शन इंटरफेस भी आइटरेटेबल इंटरफेस को हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। और थर्ड जो इसका लास्ट डिफरेंस है वो है कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड आइटरेबल इंटरफेस। जो कलेक्शन इंटरफेस है, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि पब्लिक इंटरफेस कलेक्शन एक्सटेंड आइटरेटेबल, आइटरेटेबल यहाँ पे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, और जो कलेक्शन क्लास है ये कलेक्शन क्लास एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास। ये जो पेरेंट सभी के लिए ऑब्जेक्ट होता है, वही ये कलेक्शंस क्लास एक्सटेंड करता है, पब्लिक क्लास कलेक्शंस एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, कलेक्शंस का, कलेक्शन क्लास का यहाँ पे इंपोर्ट किया है यूटिलिटी पैकेज। ये पब्लिक स्टैटिक मेंटर ट्यूटोरियल एक क्लास बनाई है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का एरे लिस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट ऐड किए हैं, जैसे कि ए ऐड में 10, 15, 55, 23, 32 ये ऐड किए। और यहाँ पे जो हमारी बेसिकली हम निकाल रहे हैं कि इस एरे लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 10, 45, 55, 23 और 32 में से मैक्सिमम ये वैल्यू है 55। तो उसे हमने कलेक्शंस क्लास जो होता है उसका जो यूटिलिटी मेथड होता है मैक्स, उसमें ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली आउटपुट में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 55 देगा। आप इस फंक्शंस, इस पूरे प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करिए तो आपको 55 मिलेगा, यानी कि यूटिलिटी क्लास का जो मेथड है हमारा जो स्टेटिक, और ये देखिए इस क्लास नेम से ही हम इसे कॉल कर रहे हैं, तो ये मैक्स मेथड हमारा स्टेटिक मेथड है, यानी कि कलेक्शन क्लास के सभी मेथड्स जो होते हैं स्टैटिक होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए सिमिलैरिटीज़ हैं कलेक्शन और कलेक्शंस में, बहुत जो हैं वो पार्ट हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के, और ये दोनों ही हमारे प्रेजेंट हैं जावा यूटिलिटी पैकेज में, और दोनों ही हमारे जावा 1.2 वर्जन में आए हैं। जो कलेक्शंस क्लास होती है हमारे अंदर, जो कलेक्शन क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो कुछ मेथड हैं, जैसे शॉर्ट सॉर्टिंग के लिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, बाइनरी सर्च सर्चिंग के लिए, और रिवर्स करने के लिए किसी भी, जैसे एरे लिस्ट ऊपर दिया गया है उसके एलिमेंट को हम रिवर्स करें, या कॉपी करने के लिए। तो ये कुछ स्टैटिक मेथड्स होते हैं कलेक्शन क्लास में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, हम इसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं। आप इसे समझिए अच्छे से।
फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है कलेक्शन इंटरफेस के, जो कलेक्शन इंटरफेस के जो मेथड है कॉमन मेथड है ऑल ओवर द एरे, लिस्ट, सेट, लिस्ट, हर जगह ये मेथड कॉमनली अवेलेबल होंगे, वही मेथड्स यहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस में होते हैं जो सभी कलेक्शंस में हमें मिलेंगे, हम हर जगह इनको यूज कर सकते हैं। जैसे एरे लिस्ट में ये मेथड है, वैसे ही हमारे ये सेट में मिलेंगे, शॉर्टेस्ट सेट में मिलेंगे, और जितने भी हमारे कलेक्शन है सभी में ये प्रेजेंट होंगे। अभी हमने ऐड का देखा है तो ये कुछ कॉमन फंक्शन है और यही हमारा डिफरेंस है इसके अंदर। जो कॉमन डिफरेंस है वो यही है कि जो हमारा कलेक्शन है वो इंटरफेस है और जो कलेक्शन है वो यूटिलिटी क्लास है, और यही एक कॉमन और स्टैटिक मेथड्स होते हैं जितने भी कलेक्शन क्लास में होते हैं, और इंटरफेस में स्टैटिक मेथड भी होते हैं उसके साथ साथ नॉर्मल मेथड्स भी होते हैं जो मैंने दिखाए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है कलेक्शन और कलेक्शंस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।